हेलो दोस्तों, सगुन बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अफगानी सलवार की मोरी का डिजाइन शेयर करूंगी। ये हमने इसका बीच निकाल दिया अफगानी सलवार का। ये अब हम यहाँ से बीच से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, ऐसे ऐसे 1.5 इंच का निशान लगा के फिर हम इसमें कट दे देंगे ऊपर नीचे, ताकि हमारे एक जैसे निशान आए। देखो दोस्तों, ये हमने निशान लगा दिए हैं, अब हम कट लगा देंगे। देखो ऐसे छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि हमारे ऊपर नीचे एक जैसे प्लेटें आए, सभी में कट के निशान दे देंगे ऐसे। ऐसे हम कट के निशान लगा देंगे सारे में। देखो दोस्तों, ये हमने कट के निशान दे दिए, ऊपर नीचे आ गए। अब जो हमारा बीच है, ये हमारा बीच है ऐसे। बीच में आपको निशान लगा के बताते, ये बीच है। जैसे हम ये ऐसे उठाएंगे इसका, ऐसे ऐसे जो हमारा कट है इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे बीच में इस दूसरी साइड का भी एक दूसरे के आमने सामने इनका मुंह रखेंगे ऐसे। ऐसे और यहाँ पे प्रेस लगा देंगे हम, ताकि हमारी ये की प्लेट जम जाए। प्रेस लगा के भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे जमा देंगे हम अपनी प्लेटों को ऐसे। फिर हम अगली प्लेट उठाएंगे, इसको हम ऐसे अंदर की साइड लेके जाएंगे ऐसे ऐसे। देखो ऐसे जमाते जाएंगे और प्रेस लगाते जाएंगे। फिर अब हम इसका दूसरी साइड में मुंह करेंगे ऐसे। जो हमारी ये प्लेट है, इसी प्लेट को उठाएंगे हम ऐसे ऐसे और साथ में प्रेस भी कर देंगे इस पर, ताकि हमारी अच्छी सी प्लेटें जच जाएंगी। देखो ऐसे जचा लेंगे। फिर से हम ऐसे करेंगे, जो ये हमारी प्लेट है इसी को लेंगे हम ऐसे, और दूसरी जो कट लगा रखे इसी को यहाँ तक मिला देंगे ऐसे। पहले हम एक साइड के प्लेटें लगा लेते हैं, फिर दूसरी साइड की लगा लेते हैं। देखो ऐसे जमा लेंगे हम अपने सभी प्लेटों को। ऐसे में हम सारी प्लेट लगा देंगे। प्लेट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, प्रेस के साथ जमाते हैं। देखो दोस्तों, हमने सभी प्लेटों को जमा दिया है और हमारी मोरी दिखाती हूँ मैं कितने इंच की है। ये होगी 14 इंच की और हमने 13 इंच की तैयार करनी है। 1 इंच हमारा मार्जिन में रह जाएगा। देखो ये ऐसे प्लेटें लग गई हैं। देखो और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने तैयार कर रखी है दूसरी मोरी। देखो फिर हम ऐसे मशीन लगा लेंगे नीचे। देखो ये हमने 2 इंच चौड़ा बुकरम लिया है, ये हमारा पेस्टिंग वाला बुकरम है। देखो इसको हम मोरी के लिए जमा लेंगे, इससे हम अपने बॉटम की मोरी तैयार करेंगे। प्लेटें हमने लगा ली है। देखो इसको प्रेस के साथ ऐसे चिपका देंगे ऐसे। ऐसे चिपकाने के बाद यहाँ से भी हम ऐसे तैयार कर लेंगे इसको ऐसे। देखो दोस्तों, एक साइड से हमने ऐसे मोड़ दी है और अब हम इसको ऐसे कर देंगे ऐसे करके ऐसे। और जो हमारा मार्जिन है इसको भी हम, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे ऐसे मोड़ के प्रेस लगा देंगे। देखो दोस्तों, ये हमने मोरी के लिए तैयार कर लिया अपना पोंचा। देखो इसको दूसरी साइड से भी ऐसे मोड़ दिया है। देखो दोस्तों, जैसे हमने ये प्रेस के साथ जो चाहे थे ना कटिंग करी थी, उसी के अनुसार हम आमने सामने, देखो इसको ऐसे, इसका ऐसे मुंह करेंगे दूसरे की साइड और मशीन चला लेंगे हम। अच्छे से जचाएंगे अपने इसको, इसको फिर ऐसे जैसे हमने निशान लगा रखे ना उसी के अनुसार मोड़ेंगे। अब इसको ऐसे एक दूसरे के सामने मुंह रखेंगे इसका। बहुत ही सुंदर पोचा डिजाइन बन के तैयार होगा, देखना। ऐसे ही हम सारे में मशीन, सारी प्लेटें डाल लेंगे अपनी
और सारा अपने डिजाइन को जचा लेंगे। तब तक मेरे चैनल पर कोई नया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो दोस्तों हमने प्लेटें लगा दी हैं, देखो बिल्कुल ऊपर जैसे एक जैसे आई हैं ऐसे करने से। देखो अब जो हमने पोचा तैयार किया था ना हमने बुकरम पे, देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे खोलेंगे इसको और ऐसे मशीन लगा लेंगे। देखो ऐसे जहाँ तक हमने मशीन लगाई थी ना उसी के ऊपर मशीन लगा लेंगे हम, जैसे पहले हमने प्लेट डालते वक्त मशीन नहीं लगाई थी उसी के ऊपर मशीन लगा लेंगे। देखो ऐसे इसके अंदर ऐसे लगाते जाएंगे ऐसे और ऐसे डालते हुए इसको मशीन चलाएंगे। बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के तैयार होगा दोस्तों हमारा ये। देखो ऐसे करते जाएंगे और मशीन चलाते जाएंगे, ऐसे हम अपना कंप्लीट पोचा तैयार कर लेंगे। देखो दोस्तों इस पे हमने मशीन लगा दी, देखो ऊपर नीचे कितनी सफाई आई है। ऐसे ही हम दूसरा पोचा तैयार कर लेंगे अपना, जैसे ये किया ना इस पे भी ऐसे मशीन लगा लेंगे दूसरी तरह। और बता देती हूँ आपको पोचा लगाना में, देखो अगर आपसे सफाई से नहीं लगती तो आप ऐसे करना, इसको देखो ऐसे दबाते जाना और मशीन चला, ऐसे करने से भी बहुत सफाई से मशीन लग जाएगी। देखो ऐसे जहाँ पे हमने प्लेट लगाते वक्त मशीन नहीं लगाई थी इसी के ऊपर मशीन लगा लेंगे हम। देखो ऐसे दबाते हुए जाएंगे, इससे भी बहुत अच्छे सफाई आएगी। ऐसे मशीन लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और मशीन चला लेंगे अपनी मशीन को दबाते हुए, जैसे पहले वो मशीन नहीं लगाई थी उसके ऊपर अच्छे से सफाई से दबाते हुए जाएंगे। देखो ऐसे अगर बिगिनर्स हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया ना, ऐसे में पूरे में मशीन लगा लेंगे और हमारी मोरी तैयार हो जाएगी। देखो दोस्तों हमारी मोरी बनके हो गई है तैयार, अब आगे डिजाइन दिखाती हूँ। देखो दोस्तों अब यहाँ से है ना इधर से हमने तीन तीन ढाई ढाई इंच पे निशान लगा लिया। देखो ऐसे ऐसे जहाँ पे भी हमने प्लेट डाली ना वहीं पे ढाई ढाई इंच के निशान लगा लिए हैं। और ये हमने लिए मोती, देखो ये मोती लिए हैं, जैसे हमने दो मोती लगाए ना ऐसे ही। देखो इसको ऐसे उठाएंगे इस प्लेट को और ऐसे कर देंगे जहाँ पे हमने ढाई इंच का निशान लगा रखा है ना उसी के ऊपर। देखो ऐसे किया और बीच से हम जो धागा है इसको देंगे हम काट। देखो ऐसे किया ऐसे और इस पे ऐसे फिर से टप्पा लगा देंगे। देखो ऐसे फिर से किया एक बार ताकि हमारा पक्का हो जाए और इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे। देखो ऐसे और फिर नीचे किया और गांठे लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे। फिर से मोती उठाया जो हमने तीन इंच का निशान लगा रखा है ना उसी के ऊपर करेंगे हम। देखो ऐसे किया इसको फिर से जो हमने प्लेट लगा रखी है जो तीन इंच का निशान लगा रखा है उसी के ऊपर ऐसे करेंगे और फिर मोती लेंगे अपना ऐसे। ये मोती लिया और एक बार फिर से इसको ऊपर रखते हुए एक बार फिर से करेंगे इसको ऐसे और इसके अंदर से फिर से निकाल देंगे ताकि हमारा पक्का हो जाए मोती और ऐसे फिर गांठ लगा देंगे। देखो कंप्लीट ऐसे डिजाइन कर लेंगे हम अपना सारे डिजाइन को। मोती लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मोती लगने के बाद कुछ हमारा डिजाइन ऐसे बन गया है और यहाँ पे ऐसे हम लगा लेंगे पोचे पे मशीन। देखो पहनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों हमारा कितना सुंदर पोचा मोरी डिजाइन बनके हो गया तैयार। देखो डिजाइन बनके हो गया तैयार। देखो कितना सुंदर डिजाइन है। देखो थैंक यू फॉर वॉचिंग।